डियर स्टूडेंट वेलकम बैक। और पॉलिटिकल साइंस का जो जो ये सीरीज है जिसमें हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट शुरू किया है, सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मनु के राजनीतिक विचार, मतलब पॉलिटिकल आइडियाज या पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मनु। आपके सिलेबस में मेंशन है इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मनु। तो जो मनु के पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, राजनीतिक विचार हैं, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मनुस्मृति में या मनु के जो राजनीतिक विचार हैं, आपको पता है कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल रहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हम एक तरीके से इसको निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करेंगे कि उनके थॉट क्या थे, उनका सोशल लॉज क्या रहे हैं, और जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करते हैं, जो भी राजनीतिक विचार देते हैं, चाहे राज्य से संबंधित हो या राजा से संबंधित, तो हम निष्पक्ष होकर अपनी भावनाओं को अलग रखकर पॉलिटिकल साइंस के एक छात्र या छात्रा होने के नाते हम इसे समझेंगे। तो अपनी भावनाओं को अलग रखा जाएगा, हमें जो ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में जो मेंशन है, तो इसका सिर्फ मुझे लगता है ये ही एक हमें इसे इस तरीके से लेना है कि उस टाइम की जो सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति क्या थी, उस तरीके से जो उस टाइम पर सामाजिक जो जो लॉज दिए थे, रूल्स दिए के बात करी थी, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। हालांकि कॉन्ट्रोवर्सियल है, बट हम कोशिश करेंगे कि कितना निष्पक्ष होकर हम इस पर बात कर सकें और समझ सकें। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप निष्पक्ष होकर अभी आप अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट समझें और पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करें। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि मनु को भारतीय शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं हमारे इस टॉपिक से। आप उसको देख सकते हैं एक बार, जैसे कि मनु अपने युग के महान राजनीतिज्ञ थे, इसकी व्याख्या करना है। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव आपको सभी चीज़ें देनी है कि क्या उन्होंने, मतलब पॉजिटिव थिंग्स थे उनके थॉट पे, निगेटिव थिंग्स क्या थे। तो एक तरीके से इस व्याख्या में आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना होगा। फिर उनके राजनीतिक विचार पूछे जाते हैं कि मनु के जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं, राजा से संबंधित, राज्य से संबंधित, या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित, न्याय से संबंधित, ये सब करना है। और उनके योगदान का मूल्यांकन करना होता है। तो जब योगदान का मूल्यांकन करेंगे तो भी आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, आप जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी देंगे और जो निगेटिव थिंग्स हैं आप उन्हें भी करेंगे। जो भी लिमिटेशंस रही हैं, जो भी कमजोरियां रही हैं उनके थॉट पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें इस टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो शुरू करते हैं हम अपना जो मनुस्मृति का लेक्चर है उसको। तो मनुस्मृति का जो काल या विषय वस्तु है, ऑब्जेक्ट एंड पीरियड ऑफ मनुस्मृति का जो है, उसको लेकर हमेशा मतभेद रहता है, कॉन्ट्रोवर्सी रहती है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं इसको लेकर। तो आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ तो आप देखेंगे कि जो मनुस्मृति का जो सब्जेक्ट काल है, मतलब जो भी जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में इनके रचना काल को लेकर मतभेद रहता है। तो जैसे कुछ स्कॉलर्स के स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि बीए सॉलिटोर हैं, वो कहते हैं कि ये 1900 या 1800 ईस्वी पूर्व का है। मैक्स मूलर है, इसे चौथी शताब्दी की रचना मानते हैं। जबकि बहुलर है, उनका मतलब है कि ये ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी में ये इसका अस्तित्व तो आया। के पी जायसवाल और पी बी काने हैं, इनका इनका समर ये बहु जो बहुलर के मत को समर्थन करते हैं कि दूसरी शताब्दी में मनुस्मृति निश्चित रूप से अस्तित्व में आई थी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनके अपने अपने विचार हैं मनुस्मृति का, जो पीरियड ऑफ मनुस्मृति है, टाइम पीरियड है इनका, काल है उसको लेकर। तो जबकि ये आप जो मनुस्मृति, भारत में मनुस्मृति का जो सर्वप्रथम मुद्रण होता है, पब्लिकेशन होता है, वो 1813 में कलकत्ता में होता है। बस ये किस काल में लिखी गई है इसको लेकर मतभेद रहता है। तो वर्तमान में जो मनुस्मृति है उसमें 12 अध्याय हैं
और 2694 श्लोक हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये डिटेल है मनुस्मृति के बारे में, और जो ये 12 चैप्टर हैं आपके, 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर, वो इस तरीके से हैं, संसार की उत्पत्ति हो गई, आप जाति के बारे में, राइट, यज्ञ के बारे में हो गया, स्नातक के नियम, तो ये पूरा 12 जो अध्याय हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मनुस्मृति का जो ये अध्याय हैं 12, ये कुल मिलाकर मानव जीवन के अधिकांश पक्षों को शामिल करते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग के लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो नैतिक पक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, सारी चीजों को इन्होंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है, और उनके नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तुत किया है। तो आप देखेंगे कि जो ये जो सब्जेक्ट मैटर है मनुस्मृति का, वो उस टाइम के जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस टाइम के जो परिस्थितियों के अनुसार, या उस टाइम जो सामाजिक जीवन के मूल्य थे उन पर आधारित है, और इसी संहिता के बाद की समाज व्यवस्था और मूल्यों के नियमन का आधार बनती है। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन मनुस्मृति के बारे में। अब बात करते हैं कि मनु के जो सामाजिक विचार हैं, सोशल लॉज, तो पॉलिटिकल विचार, राजनीतिक विचार को समझने से पहले हमें उनके सामाजिक विचार को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक विचार को समझ लेने से आप बहुत अच्छे से इंटरलिंक कर पाएंगे कि उनके जो राजनीतिक विचार हैं वो किस तरीके से हैं। साथ ही साथ जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मनु के जो योगदान है उसको आप उसका वर्णन करिए, तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर लिख पाने में आपके लिए संभव हो पाएगा। तो कंट्रीब्यूशन में उनके जो मनु के सामाजिक विचार हैं, सोशल लॉज हैं, उनको भी मेंशन करना होगा आपको। तो मनुस्मृति के राजनीतिक विचार के तुलना में आप ये देखेंगे कि जो सामाजिक विचार हैं मनु के, उनको ज़्यादा मतलब पॉपुलरिटी मिली है, ख्याति मिली हुई है। तो सामाजिक संगठन के जो उन्होंने वेरियस जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, वर्णों का जो क्लासिफिकेशन किया है, या सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो राज्य का दायित्व तो बताया है, तो इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से मतलब एक्सप्लेन किया है। तो आप देखेंगे कि मनु के अनुसार जो व्यक्ति वर्ण, धर्म, आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वही जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। इतना बड़ा मतलब इनका मैसेज था। तो उस टाइम जो मतलब मनु को इस तरीके का कोडिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी, सोशल लॉज या राजनीतिक विचार, इस तरीके की चीजें देने की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? तो ऐसा माना जा रहा है कि उस टाइम की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, उस टाइम काफी उथल पुथल मची हुई थी, चाहे वो सामाजिक जीवन को लेकर हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन को लेकर हो। एक तरीके से अराजकता, या कह सकते हैं कि समाज में जो स्थिति बनी हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सोशल लॉज बनाया गया, जिससे कि जो सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो मनु का जो वर्ण व्यवस्था है उसको देखते हैं कि मनु ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या विचार हैं उनके। तो मनु इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में आप देखेंगे कि मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर आप देखेंगे कि समाज को चार भागों में बांटा गया है, और ये चारों वर्णों का नाम इस तरीके से दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये धर्म और कर्म के आधार पर है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये क्या है, ये जन्म पर आधारित है। और मनु के अनुसार, मनुस्मृति में जो एक्सप्लेनेशन है उसके अनुसार, इन ये जो चार वर्ग है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मा के द्वारा होती है। इसे एक तरीके से पूरा जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिक होल की तरीके है, और ये जो चार वर्ण है वो मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, और ये जो चार वर्ण है वो अलग-अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में इन चार वर्णों के स्थान का स्थान जो है कर्म या जन्मानुसार निर्धारित होगा। तो ये जो चार वर्ण का स्थान, जो लोगों का स्थान है कि वो किस वर्ण में रहेंगे, ये जन्म से निर्धारित होता है, और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है मनुस्मृति में।
और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्सियल और क्रिटिसिज्म होता है वो इस आधार पर ही होता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको जन्म के अनुसार या जन्म पर आधारित बना दिया गया है। एक और मनु मतलब ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान देते हैं और उसी तरीके से वो कहते हैं कि ब्राह्मणों के स्थान अपने अनुरूप व्यवहार भी करें। तो आप देखेंगे कि ये अलग तरीके से जो ये चार वर्ण हैं उनकी शक्तियाँ और ये जो उनका तरीके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण है तो इनको इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण का क्या काम है, उसको यज्ञ करना, पढ़ाना, दान लेना इत्यादि। क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा की बाँह से हुआ है और वो ताकत का प्रतीक है और उसका उसका दायित्व तो क्या है, प्रजा की रक्षा करना और ताकत के आधार पर अपने अधिकारों का वो दुरुपयोग ना करे। तो इस तरीके से आप और वैश्य को आप देखेंगे तो वो कहते हैं उनका काम क्या है, उनका दायित्व तो क्या है, राज्य की आर्थिक व्यवस्था का संचालन एवं विकास करना। जो शूद्र है उनके उनका उनका दायित्व तो है कि वो शेष तीनों वर्गों का सेवा करना और इन शूद्रों को स्थान निम्नतम मिला हुआ है और वेदों का अध्ययन भी गंभीर अपराध माना गया है इस वर्ण के लिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चार वर्ण मिलाकर समाज का निर्माण कर रहे हैं और इन वर्णों को पृथक पृथक विशेषीकृत कार्य होने के बावजूद भी मनु का हाँ इनके जो कार्य हैं उसको सेपरेट किया गया है, पृथक किया गया। अगर आपने प्लेटो को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्लेटो ने भी कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ जो क्लासेस है उनका किया है कि जो सोल की क्वालिटीज होती हैं रीजन, करेज, एपेटाइट और इसके बेसिस पे तीन क्लासेस डिवाइड की थी। कुछ इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इन्होंने चार वर्ण को क्लासिफाई किया है। अंतर ये है कि जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था है ये क्या है, ये जन्म जन्म आधारित है, सबसे कमजोर पक्ष है इसका ये। जबकि प्लेटो में आप देखेंगे कि एक एजुकेशन सिस्टम लाया गया था और उस एजुकेशन सिस्टम के आधार पर आप देखेंगे कि वेरियस स्टेजेस पे एग्जामिनेशन करके योग्यता का आकलन करके फिर उन्हें जो डिफरेंट जो तीन ग्रुप थे उस पे रखा गया था लोगों को। जबकि मनुस्मृति में देखेंगे कि ये जो वर्णों का विभाजन किया गया है ये वर्ण व्यवस्था का जो सबसे कमजोर पक्ष यही है कि ये जन्म पर आधारित विशेषाधिकार और निर्योग्यताओं का प्रतिपादन करता है। तो इसी के आधार पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ हो जाती है और क्रिटिसिज्म भी होता है। तो प्लेटो से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका अगर मनु का वर्ण व्यवस्था के बारे में आता है तो चार वर्ण होते हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ और उन चार वर्णों का दायित्व तो क्या है और फिर उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन की सबसे कमजोर पक्ष इसका ये है कि ये जन्म पर आधारित है। आगे चलकर देखते हैं कि मनु की जो आश्रम व्यवस्था है वो क्या है। अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये चीजें क्या है, ये सब ये इसका प्रतिपादन या इसको प्रपाउंड नहीं किया था मनु ने, ये ऑलरेडी उस टाइम के समाज में प्रचलित थी ये चीजें और जो हमारे वेदों से चली या उपनिषद में ये सब चीजें ऑलरेडी मेंशन है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वहां से लेकर बस मनुस्मृति में मनु ने अपने तरीके से इन्हें इंटरप्रिटेट किया है और समाज में इनकी क्या जरूरत है उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन किया है। तो मनु की आश्रम व्यवस्था, तो मनु के जीवन में जो मतलब जो आश्रम व्यवस्था है तो मनुष्य के जीवन को मनु ने चार आश्रम में बांटा है और ये चार आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। ये एक तरीके से फोर स्टेजेस हैं ह्यूमन लाइफ की, चार चरण हैं ह्यूमन लाइफ के जो मानव जीवन शुरू जब बालक होता है और बूढ़ा होता है तो वो पूरी लाइफ को चार स्टेज में या चार चरण में विभाजित किया गया है और इसी को चार आश्रम नाम दिया गया है। तो जो पहला चरण है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम मानव जीवन का। तो इसमें इसमें क्या होता है, ये इसमें एजुकेशन लेता है, बालक गुरु के साथ रहकर अध्ययन करता है। यहाँ पर इस अवस्था में क्या होगा, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है, वेदों का अध्ययन होता है, यज्ञ करना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, इस तरीके की चीजों का प्रयोग की एक्टिविटीज इस स्टेज में होती हैं और ब्रह्मचर्य की व्यवस्था स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित है मनुस्मृति में। ये भी इसका सबसे कमजोर पक्ष हो जाता है और कमजोर
कंट्रोवर्सी का कारण बनता है। दूसरा स्टेज है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मानव जीवन का दूसरा स्टेज है, जहाँ पर मानव अपनी प्राकृतिक अवस्था आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए या वश जो वंश है अपना उसकी परंपरा बनाए रखने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि आप देख गृहस्थ व्यवस्था, संतान की प्राप्ति होना या धन का संचय करना, इस तरीके की चीज़ें, इस जो एक्टिविटीज़ हैं वो गृहस्थ आश्रम में शामिल हैं। तीसरी स्टेज है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो मानव जीवन है, उसका कार्य क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ कर हो जाता है, वाइडर हो जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं रहती, अब वो पूरे समाज की जिम्मेदारी, पूरे समाज के दायित्व लेने के लिए तैयार होता है। तो अब इस आश्रम में व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है वो परिवार ना होकर संपूर्ण समाज हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें अब मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति भाव को अपनाना चाहिए और मानव मात्र के प्रति मित्र भाव और दया भाव बनाए रखना चाहिए। ये इस आश्रम की विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की जो विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अंतिम अंतिम स्टेज है मानव जीवन का, और संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को अपने जो ऋण होते हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। कौन कौन से ऋण की बात की जाती है? देव ऋण की बात की जाती है, ऋषि ऋण की बात की जाती है, पितृ ऋण की बात की जाती है। तो बोला जाता है कि जब आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करें तो इन सब ऋण से मुक्त होकर करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो चार आश्रम है मानव जीवन के चार स्टेजेस हैं, और हर एक स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अपने तरीके की एक्टिविटीज हैं। आगे चलकर आप देखेंगे कि और ये जो व्यवस्था है जो आपकी चार स्टेज की, यहाँ पर देखेंगे कि इस व्यवस्था को बनाए रखना किसका, राज्य का कर्तव्य है। जब भी ये व्यवस्था खंडित होगी आप देखेंगे कि समाज में बिखराव आएगा, टकराव आएगा। तो कुल मिलाकर जो मनु के विचार ये थे कि जो ये व्यवस्था है इसको बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, और अगर राज्य इसमें अब सफल नहीं होता इस तरीके की व्यवस्था बनाए रखने में, तो समाज में क्या होगा, बिखराव और टकराव पैदा होगा। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, अगर आपको राज्य में शांति बनाकर रखना है तो ये बनाकर रखना होगा, ये व्यवस्था, ये मनु का कहना था। सो मानव को भी अपने आश्रम के अनुरूप कर्म करके सहयोग करना चाहिए। मनु का मानना था कि कोऑपरेशन की भावना होना चाहिए, हर किसी को अपना दायित्व तो पूरा करना चाहिए। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था व्यक्ति की आयु के अनुसार उनके कार्यों और दायित्वों का विभाजन कर धर्म, अर्थ, काम और अंत में सर्वोच्च लक्ष्य जो मोक्ष का है, मार्ग प्रशस्त करती है। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जो ये वर्ण व्यवस्था या जो आपका आश्रम व्यवस्था है, ये क्या है, ये व्यक्ति की आयु के अनुसार उनके कार्य और दायित्वों का विभाजन है, जिसके जिसके माध्यम से, या ये एक माध्यम है अर्थ, काम और अंत में सर्वोच्च लक्ष्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने का। लेकिन अब इसको हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे करेंगे कि इस व्यवस्था का सबसे कमजोर पक्ष ये क्या है कि ये सभी वर्णों को समान रूप से आश्रम का उपभोग करने की इजाजत मनुस्मृति नहीं देता। तो ये सबसे कमजोर पक्ष है इस व्यवस्था का। तो इस तरीके से आप इसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। आगे चलते हैं कि स्त्रियों के बारे में मनु के क्या विचार थे। जब हम उनके सोशल विचार, सामाजिक विचार पढ़ रहे हैं तो वोमेन या स्त्रियों के से रिलेटेड उनके जो विचार हैं उसको ना कंसीडर करें तो ये अधूरा रह जाएगा। मनु के अनुसार किसी भी स्त्री को घर से, मतलब कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि स्त्रियों की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ रहेंगे, और इनका मानना था कि स्त्री को घर में कोई भी कार्य ना स्वाधीन होकर नहीं करना चाहिए। उन्होंने वो एक एक टैगलाइन करते हैं कि बाल्यकाल में पिता और युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए। यही कुछ चीजें हैं जो मनु के विचार हैं वुमेन पर, उसे कॉन्ट्रोवर्सियल बनाते हैं। हालांकि हम जो अभी अभी तो हम एज इट इज पढ़ेंगे कि जैसा मनु मनुस्मृति में चीजें मेंशन है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे इसको।
मनुस्मृति में इस चीज का उल्लेख मिलता है कि जो ईश्वर है उन्होंने स्त्रियों में कुछ की प्रवृत्ति में कुछ ऐसे दुर्गुण बनाए हैं कि अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो वो सही कार्य नहीं करेंगे, वो व्याभिचार जैसे दोष में लिप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए मनुस्मृति का स्ट्रॉन्ग ये रिकमेंडेशन रहता है कि उनको अपने पुरुषों के नियंत्रण में रखना चाहिए। और मनु ने स्त्री स्वतंत्रता का विरोध किया है, परंतु इस तरीके से आप देखें कुछ विरोधाभास भी मिलता है। एक तरफ वो मनु स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं, उन्हें स्वाधीन नहीं होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए, और दूसरी तरफ मनु एक कहते हैं कि पत्नी पुत्री पत्नी माता का उचित सम्मान होना चाहिए, और जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो इस तरीके का विरोधाभास भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। मनु ने स्त्री की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया, और आप देखेंगे कि धार्मिक और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे, और दूसरा विरोधाभास क्या मिलता है कि धार्मिक अनुष्ठान में स्त्री पुरुष भागीदारी का समान महत्व है, और स्त्री धन की बात करेंगे कि जिस पर उनका अधिकार है। तो स्त्री के संबंध में मनुस्मृति में अपने युग का आप देखेंगे कि जो मानसिकता थी, जो पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज था उस टाइम का, उस तरीके की मेंटालिटी, उस तरीके की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं मनुस्मृति में किया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जहाँ पर स्त्री एक व्यक्ति ना होकर पूर्णता पुरुष के अधीन है, और मनुस्मृति में स्त्रियों को हीनता का वैधानिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो स्त्रियों की स्थिति को इतनी बदतर स्थिति में ले जाना और इसको इसको लेजिटिमाइज करना, ये काम किया है मनुस्मृति ने। ये इस विचारधारा का सबसे कमजोर पक्ष है, आप इसे इस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आगे चलकर देखते हैं तो ये कुछ उनके सामाजिक विचार थे, सोशल लॉज थे, या सामाजिक जो उनकी विचारधारा है उसको लेकर था। आगे चलकर हम देखते हैं कि मनु के राजनीतिक विचार क्या है, मनु के पॉलिटिकल थॉट जो है, राजनीतिक विचार है, उसे समझना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति में का इसका बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि मनुस्मृति भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मनु का नाम महत्वपूर्ण स्थान पर आता है, और मनु प्रथम राजनीतिक थे जिन्होंने अराजकता को खत्म करके शासक की प्रतिष्ठा पर बल दिया। अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या इनके विचार हैं इस चीज को। मनु द्वारा रचित ग्रंथ जो इनका मनुस्मृति है, ये इसे मनु संहिता या मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में जो प्राचीन सामाजिक और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके लिए ये एक आधारभूत ग्रंथ है। उसका जो संदर्भ में यहाँ हमें इस स्मृति में जानकारी मिलती है। आप देखेंगे कि जो वेदों के पश्चात अगर कोई साहित्य उपलब्ध है या महत्वपूर्ण स्थान है किसी साहित्य का, तो वो मनुस्मृति आप देखेंगे, जो उस टाइम की, जो उस समय की तात्कालिक समाज का उल्लेख करती है, या धर्म का उल्लेख करती है, या राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मनु के इस ग्रंथ में तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ सदाचार, धर्म उपदेश, वर्ण आश्रम पद्धति का विस्तृत विवरण भी दिया जाता है। तत्कालीन समाज पर मनुस्मृति का आप कह सकते हैं कि गहरा प्रभाव था, और तत्कालीन समाज में जो वर्णाश्रम पद्धति का जो पालन था वो मनु ने अपने उस समय के नियमों के अनुसार ही एक्सप्लेन किया है, और चारों वर्गों में संतुलन बना रहे इसके लिए इन्होंने कई सारे नियम कानून की बात की है, और राजा के कर्तव्य को इन्होंने इसके लिए महत्वपूर्ण माना है। और राजा का कर्तव्य क्या रहेगा या राज्य का कर्तव्य क्या होगा, ये वर्गों के बीच में संतुलन बना रहे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन जो आप सिंपल सा लिख सकते हैं। तो अब आते हैं मनु के राजनीतिक विचार। मनु के राजनीतिक विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं, और पहला हमारा रहेगा राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के क्या विचार हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में आप देखेंगे राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने इस बारे में बात की है कि आदिकाल में राजा के न होने से चारों ओर अराजकता और अशांत स्थिति थी। तो राज्य की उत्पत्ति आपको पता है कि किस
मनु कहते हैं कि जब तक राज्य नहीं था या राजा नहीं था, तब तक आप देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, जिस तरीके से आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट वालों में देखते हैं कि राज्य के आने के पहले जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें आप देखेंगे किस तरीके के हॉब्स क्या कहते हैं कि बहुत ही पुअर था, नास्टी था, सेल्फिश लोग रहते थे। तो मनुस्मृति में भी मनुष्य ये लिखते हैं कि जो आदिकाल में जब राजा नहीं था तो चारों तरफ क्या थी, मतलब अराजक की स्थिति थी, अशांति की स्थिति थी। और अगर हमें इस स्थिति से बाहर आना था तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि राज्य की उत्पत्ति की जाए, राजा को एग्जिस्टेंस में लाया जाए। सो आप देखेंगे कि इस जो बर्बर या अराजक की स्थिति थी, इन सब से रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने क्या किया, राजा की सृष्टि की, ये मनु कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे उस समय जो समाज था उसमें प्रजा डर से इधर उधर भाग कर जीवन यापन करती थी, क्योंकि बर्बर और अराजक स्थिति थी, अशांत की स्थिति थी, जो बलवान होते थे वो कमजोरों का शोषण करते थे। तो इस तरह की जो बर्बर की स्थिति थी या अराजकता की स्थिति थी, इससे रक्षा करने के लिए लोगों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने क्या किया, राजा की सृष्टि की। अब ये जो राजा था इसमें मनु के अनुसार क्या है कि 8 जो देवता थे, उन देवताओं के एक एक जो गुण थे उनको लेकर राजा की सृष्टि की ब्रह्मा ने। तो ये 8 देवताओं का यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। सो इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं के अंश से उत्पन्न राजा सभी प्राणी है उसमें पराक्रमी और श्रेष्ठ होता था। इस तरीके से उन्होंने माना कि जो मानव जो रूप में देवता है, जो राजा है वो क्या है, मानव रूप में देवता है। और देवता क्यों है, क्योंकि 8 जो डिफरेंट जो गॉड है, जो देवता है, उनकी सृष्टि उनसे एक एक अंश लेकर ही जो ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की है, ये इनका मानना था। अर्थात जो राज्य और राजा की दैवी शक्ति का मनु ने समर्थन किया। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि राजा या राज्य क्या है, दैवी शक्ति से कहीं ना कहीं इसका इन्होंने समर्थन किया। अब वो साप्तांग सिद्धांत देते हैं राज्य के बाद। तो राज्य की उत्पत्ति समझ आई आपको कि कैसे ब्रह्मा ने 8 अलग अलग देवताओं के अंश को लेकर राजा का निर्माण, राजा की सृष्टि करते हैं। और राजा की सृष्टि इसलिए होती है ताकि जो अराजकता थी, जो बर्बर की स्थिति थी, उसे समाप्त किया जा सके, समाज में शांति लाई जा सके और एक सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश किया जा सके। तो ये राज्य की उत्पत्ति का कारण था सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत में आप देखेंगे कि मनुस्मृति पे राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत लाया गया, राज्य के लिए। तो जो सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य से संबंधित है, मतलब एक राज्य के 7 अंग होते हैं। मतलब राज्य जो हमारा है वो इन 7 अंगों से मिलकर बना है। और वो 7 अंग क्या है, स्वामी या राजा, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र, ये 7 राज प्रवृत्तियां हैं। और ये 7 एलिमेंट्स हैं एक स्टेट के, एक राज्य के, जिसको सप्तांग सिद्धांत बोला गया है मनुस्मृति में। अब इनके डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राइट अबाउट द साप्तांग थ्योरी ऑफ द मनुस्मृति, तो इस पर आप डिटेल पे लिख सकें। तो राजा, मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। और आप देखेंगे कि स्वामी जो है ये संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। जो स्वामी या राजा है वो संपूर्ण जो सोशल ऑर्डर था, आप देखें पूरी हायरार्की है मनुस्मृति में प्रोवाइड की गई है। तो जो राजा है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है उसे। और मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता व दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है, एलिमेंट है राज्य का, वो है मंत्री। मंत्री का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि राज्य में अगर आपको ठीक से शासन चलाना है तो आपको मंत्रियों की आवश्यकता होगी। और राजा को चाहिए कि वो कुशल मंत्रियों, जो योग्य और कुशल मंत्री हो, उनसे परामर्श करने के बाद ही राज्य का कार्य किया जाए। ये रिकमेंडेशन या सजेशन दिया जाता है राजा को कि योग्य और कुशल मंत्रियों को नियुक्त किया जाए और उनके परामर्श के बाद ही राज्य का कार्य किया जाए। मनु ने मतलब मंत्रियों के लिए भी कुछ आवश्यक गुण और योग्यताओं का वर्णन करते हैं, जैसे कि वो कुलीन परिवार से हों,
उन शास्त्रों का ज्ञान हो, विद्वान हो, शूरवीर हो, विश्वसनीय हो, कर्मठ हो, इस तरीके के गुण का उन्होंने उल्लेख किया है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है साप्तांग सिद्धांत के अंदर पुर। पुर का मतलब है किला, परकोटा या राजधानी, आप इसे कह सकते हैं। और मनु का ये मत था कि जो पुर है, जो किला है, वो पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए और उसमें जो रक्षा और भरण पोषण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए उसके अंदर। कई तरीके की श्रेणियों की भी वो बात करते हैं और इसमें से गिरी दुर्ग को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। इस प्रकार राजा को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, गिरी दुर्ग, राइट। और भी आगे चलकर दुर्ग की संरचना कैसे हो, विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इन सब का भी उल्लेख देते हैं। फोर्थ एलिमेंट, जो चौथा एलिमेंट है सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य का, वो है राज। राज्य के अंगों में से एक अंग के रूप में मनु ने बेसिकली, आप देखेंगे, एक अंग है जिसका उल्लेख एक भ्रम उत्पन्न करता है। तो वास्तव में राज्य का मतलब यहाँ जनपद है, तो आप इसको यहाँ पर राज्य अगर नहीं लिखना है तो आप जनपद लिख सकते हैं। तो जनपद जनपद है और यहाँ पर राज्य का तात्पर्य राज्य की भूमि, उस पर निवास करने वाली जनता से संबंध है इसका। पांचवा एलिमेंट है कोश। कोश का मतलब आर्थिक हो जाता है आपका, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाता है और मनु के अनुसार ये बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है किसी भी राज्य का, क्योंकि कोश के अभाव में राजा है वो प्रजा की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, उनके कल्याण के जो कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनको नहीं पूरा कर पाएंगे। तो कोश एक बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है राज्य का। और मनु ये सजेशन देते हैं कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होना चाहिए। इसके बाद से है सिक्स्थ एलिमेंट दंड। दंड में आप देखें, दंड का आशय है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति या सेना। दंड का मतलब है सेना या शक्ति। तो यहाँ पर मनु ने सेना के अनेक अंग और हस्ती सेना, अश्व सेना, जल सेना, इस तरीके की बात करी है और राज्य के समस्त समस्त को मजबूत बनाकर राज्य की रक्षा करने की उचित व्यवस्था करे। सेवन एलिमेंट है मित्र। मित्र का अर्थ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य, एक राज्य अन्य राज्य के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, ये वही मित्र है। और राजा को अपनी रक्षा और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या चाहिए, एक कुछ अन्य राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, बनाए जाने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो विपत्ति में साथ दें, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि राज्य के जो ये सात अंग हैं इनमें पूर्ण समन्वय की आवश्यकता होनी चाहिए, पूर्ण समन्वय की जरूरत है जिससे कि आप एक अच्छा बेहतरीन राज्य बना सके और उस राज्य की जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन कर सके, सामाजिक व्यवस्था मेंटेन रख सके, शांति मेंटेन कर सके। तो मनु कहते हैं कि अगर जो ये सात प्रवृत्तियां हैं राज्य की, सात अंग हैं, अगर एक में भी कोई ऐसे मतलब कुछ दोष आता है तो पूरे राज्य का विनाश होने का कारण बन सकता है। तो आप देखेंगे कि उस टाइम जब जिस परिस्थिति की बात की जा रही है, जो समाज की बात की जा रही है, उस समय जो उथल पुथल मची हुई थी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, आप देखेंगे कई सारे राज्य आ रहे थे, कई सारे मिट रहे थे और जो जो विदेशी शक्तियां भारत में अटैक कर रही थी, तो ये इस तरीके के में ये बात की गई कि जो ये सात तत्व तो है इसको बहुत ही मेंटेन करके समन्वय के साथ कार्य करना होगा जिससे कि राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया जा सके और राज्य व्यवस्था के विनाश को रोका जा सके। अब अगला जो महत्वपूर्ण इनका राजनीतिक विचार है वो है राज्य का कार्यक्षेत्र। तो राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, तो मनुस्मृति का यह मत है कि जो राज्य का कार्यक्षेत्र है वो काफी व्यापक है। राज्य का काम सिर्फ पुलिस कार्य करना नहीं है कि सिर्फ आप समाज की रक्षा कर रहे हैं, समाज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, शांति बनाकर रख रहे हैं, अराजकता से मुक्ति दिला रहे हैं, पुलिस कार्य ही नहीं है। राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो काफी व्यापक है और इसके साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ में समाज की रक्षा और कल्याण, लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। तो मनु के अनुसार राज्य का कार्य सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित ना होकर लोक कल्याणकारी है। लोगों की रक्षा करना, शक्तिशालियों से कमजोरों की रक्षा करना,
और उनके उन उनके उनका भरण पोषण ठीक से हो, इसकी इसकी व्यवस्था करना, आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, राज्य में मानव मतलब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करे, इसको भी ध्यान रखना। तो राज्य का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक बताया गया है मनुस्मृति में। आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं? तो मनुस्मृति में बताया गया कि राजा का मुख्य कार्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना और कल्याण करना, जैसे कल्याणकारी कार्य करना जो हमने अभी कार्य क्षेत्र में देखे। अतः इन कार्यों को जैसे भलीभांति संपादित करने के लिए राजा में कुछ गुण होने आवश्यक है। तो राजा को विद्वान और मतलब एक राजा किस तरीके का होना चाहिए, आदर्श राजा या आइडियल किंग आप किसे कहेंगे? तो अगर इस तरीके के कार्यों को करना है, इस तरीके की एक्टिविटीज करनी है, तो आप एक राजा के में कुछ गुण होने आवश्यक है ना, जैसे कि विद्वान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए। ये कुछ गुण हैं जो राजा में होना चाहिए, और जिस व्यक्ति में जिस राजा में ये गुण होंगे उसे आदर्श राजा की संज्ञा दी जाएगी। सो मनु के अनुसार जो राजा के निरंकुश और मनमाने शासन पर कई अंकुश लगाए गए जिससे कि वो अपने गुणों को मेंटेन रखें। तो सबसे बड़ा जो अंकुश लगाया जाता है राजा पे वो धर्म का, कि राजा को धर्म के अनुसार कार्य करना है और धर्म के अनुसार जो धर्म के नियम है, जो शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं राजा के लिए, उनका पालन करना है और इन्हीं नियमों के अनुसार शासन भी करना है। तो जो राजा है वो इन नियमों का निर्माता नहीं है, बल्कि उसका काम क्या है, इसको इसका पालन करना, उसके अनुसार शासन करना। तो वो राज्य में धर्म का पालन करने के लिए दंड का भी प्रयोग करेगा, और वो दंड का प्रयोग धर्मानुसार ही होगा। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कर रहा है या निरंकुश या मनमाने तरीके से कर रहा है। तो राजा को भी धर्म के अंदर में रखा गया, धर्म के अधीन रखा गया, जिससे कि समाज में निरंकुशता ना हो पाए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मनुस्मृति में प्रतिपादित जो राजा दैवी होते हुए भी निरंकुश अधिकारों का प्रयोग करने वाला नहीं था, उसे धर्म के अधीन रखा गया। राजा के कर्तव्य, अब किंग की ड्यूटीज क्या होंगी? तो राज्य के कार्य क्षेत्र से या गुणों से आपको आइडिया लग गया होगा कि राजा के कर्तव्य क्या होते हैं। तो मनु राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का तो समर्थन करते हैं, पर उसे निरंकुश सत्ता का समर्थन नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो राजा विधि और धार्मिक नियमों के अधीन रहकर ही शासन करेगा, और जो धार्मिक दंड है उसका क्रियान्वयन भी सही तरीके से करेगा, नियमों के अनुसार करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि राजा का कर्तव्य क्या है, धर्म को पालन करने को, प्रजा का मतलब समाज में या राज्य में धर्म का पालन हो, इस चीज को इंश्योर करना। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो जो मनुस्मृति में है वो राजा की कर सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य इस बात को दिया माना गया है कि राजा को क्या सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, राजा को समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था बनी रहे। तो समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था को अच्छुट बनाए रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य था राजा का। और इसके साथ ही साथ सामाजिक अव्यवस्थाएं ना पैदा हों, साथ ही साथ उस समाज में धर्म का पालन होता रहे, इस तरीके के कर्तव्य की बात की जाती है राजा के। फिर आगे चलकर आप देखें कि राज्य के कार्य क्या है। तो कार्य क्षेत्र में हालांकि आपने देखा ही राज्य के क्या कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें हमने देखा कितना व्यापक है, सुरक्षा के साथ साथ लोक कल्याणकारी भी। तो अलग से हम देखें अगर राजा का कर्तव्य तो हमने देख लिया कि क्या है, अब राज्य के कार्य देखते हैं। तो आंतरिक स्थिति शांति की स्थापना करना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय करना, ये सब किसके महत्वपूर्ण कार्य है, राज्य के महत्वपूर्ण कार्य है। और आंतरिक मूल्यों में नियंत्रित करना, शिक्षा व्यवस्था करना, ब्राह्मणों को दान देना, अपराधियों को दंड देना, वैश्यों शूद्रों का कर्तव्य पालन हेतु मजबूर करना, इस तरीके की चीजें राज्य के कार्य थे। राजा को राजधर्म का पालन करते हुए शत्रुओं से प्रजा प्राण और संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। राजा को शासन सुचारू रूप से चलाना चाहिए और अनुभवी मंत्रियों योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इस तरीके के कुछ
और राजा को कैसा होना चाहिए? बगुले के समान अर्थ चिंतन करे, सिंह के समान पराक्रम दिखाए, भेड़िए के समान शत्रु का नाश करे, खरगोश की तरह दुश्मन। इस तरीके की बातें की गई हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि उन्हें हमेशा नियमों का कुछ नियम बनाए गए उनके डेली रूटीन को लेकर, उसका पालन करना चाहिए। और इस ये सब चीज़ें इस प्रकार आप देखें कि मनुस्मृति में एक तरफ तो अब इसका क्रिटिसिज्म आप कैसे करेंगे, तो एक तरफ आप देखेंगे कि जो मनु है वो क्या कहते हैं, असीमित शक्ति का दुरुपयोग होने लगे। तो एक तरफ कहें, एक विरोधाभास यहाँ देखने को मिलेगा आपका मनुस्मृति के विचारों में। एक तरफ असीमित राजतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजतंत्र की सीमाओं की भी बात करते हैं कि जो राजतंत्र है उसको अधीन में रख दिया, धर्म के बांध दिया, उसे किसी भी चीज की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके का कुछ विरोधाभास भी आपको देखने को मिलेगा, एक कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब देखते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन, जो मनुस्मृति शासन व्यवस्था के बारे में क्या बात करते हैं, तो मनु के अनुसार शासन का मुख्य प्रयोजन क्या है, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति में साधक बने। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, जैसे आज के टाइम पे हमारा जो शासन व्यवस्था है वो लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का एक माध्यम है, एक साधन है। तो इसी तरीके से मनु के अनुसार जो शासन है उसका जो मुख्य प्रयोजन था वो धर्म अर्थ काम की प्राप्ति में साधक बने, लोगों की हेल्प करे। अतः राजा को अपने मंत्रियों की सहायता से इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मनुस्मृति में ऐसे बहुत सारे कार्य बताए गए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप किसके किसकी हेल्प से करेंगे, योग्य मंत्रियों के थ्रू। तो राजा को ऐसा इन्होंने सलाह दी है कि योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करिए और उनकी परामर्श से क्या करिए, आप शासन करिए। तो राज्य कार्य के संपन्न करवाने के लिए उन्होंने जो कर्मचारी और जो मंत्री होंगे, जिसको आधुनिक मंत्रिमंडल की भांति आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, जो आधुनिक मंत्रिमंडल होती है उसके बाद कि मंत्री कुछ मंत्री के अधीन कुछ विभाग होंगे। जैसे इस टाइम क्या होता है, कुछ मंत्रीज होते हैं, फिर उनके अंडर में पोर्टफोलियोज होती हैं। तो वो यही बात करते हैं मनु भी इस टाइम इसमें, कि जो जो उस टाइम पे राजा था और जो मंत्रिमंडल था वो इस तरीके से होना चाहिए जो जो शासन को वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन व्यवस्था है, उसके कार्यों का जो संपादन है उसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कर पाए। मंत्री परिषद एक उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कि जैसे मंत्री परिषद है वो छोटी हो, सुव्यवस्थित हो और उसमें ऐसे मंत्री आए जो राष्ट्रीय कार्यों को सही रूप में निर्देशन करें। जो भूमि के आधार मनु ने राज्य के दो भाग में बांटा, एक पुर और राष्ट्र। पुर से तात्पर्य राजधानी है और राष्ट्र से तात्पर्य सारे देश में है। तो सफल प्रशासन के लिए जो मनुस्मृति में कहते हैं कि राज्य को विभिन्न इकाइयों में बांटना चाहिए। अगर आपको प्रशासन को सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है, तो राज्य को कई इकाइयों में बांट दो ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए ना, बेटर प्रशासन को ये कर पाए। तो जैसे कि एक गांव, फिर 10 गांव, 20 गांव, 100 ग्राम, 100 गांव या 1,000 गांव, इस तरीके की प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो गाँव होगी, जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि इन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई कि किस तरीके से मंत्री परिषद के माध्यम से प्रशासन को किया जाएगा और किस तरीके से पूरे जो पूरा राज्य है उसको जो विभिन्न इकाइयां हैं उसमें विभाजित किया जाएगा और सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी, ग्राम। सरकार का जो द्वितीय अंग है वो विधायिका परिषद रहेगी। विधायिका परिषद का मतलब सबसे प्रमुख दायित्व तो क्या होगा, कानून व्यवस्था को करना, कानून व्यवस्था को बनाना। और कानून कैसे बनेंगे, वो परिषद में वो सारे लोग होंगे या ऐसे व्यक्तियों का संगठन रहेगा ये विधायिका परिषद जिन्हें तीनों वेदों का ज्ञाता हो और इसके आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर वो कानूनों का निर्माण करेंगे। इसकी संख्या भी उन्होंने कुछ बताई, 10। तो मनुस्मृति में राजा को न्यायपालिका के औपचारिक अध्यक्ष, और न्यायपालिका कैसा रहेगा, तो जो राजा है वो न्यायपालिका के औपचारिक अध्यक्ष का दर्जा दिया गया, किसको, राजा को।
और इसके अनुसार ही न्याय कार्यों को सफल संपादन के लिए राजा को न्याय सभा में ऐसे मतलब पार्षद या ब्राह्मण बिठाने चाहिए जिन्हें मतलब कानून का ज्ञान हो, विधिवेत्ता हो, ज्ञान में पारंगत हो और जो न्यायिक कार्यों से दोषमुक्त सलाह दे सके। तो राजा यहाँ पे एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएगा। तो न्याय को भी इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण माना है समाज के लिए, और सामाजिक नियमों के विपरीत किए गए कार्य अगर होंगे उसे अपराध की संज्ञा दी जाएगी, और जब अपराध होगा तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था होगी। तो दीवानी और फौजदारी क्षेत्र में जो जो विभिन्न प्रकार के अपराध थे उसके लिए विभिन्न प्रकार के दंड का भी की भी व्याख्या की जाती है। तो दंड और अपराध की अगर बात करें तो मनु ने दंड की महत्ता को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है दंड को, और दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है, उनका ये मानना है। तो आगे चलकर कहते हैं कि जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है, चोर दंड के भय से चोरी नहीं करेगा। तो दंड धर्म है और राजा का कर्तव्य होता है कि वो दंड का प्रयोग स्वहित में न करके जनहित में करे। इस तरीके से आप देखें कि मनुस्मृति के अनुसार दंड का प्रयोग धर्म समस्त और अपराध की मात्रा के अनुसार होना चाहिए। चार प्रकार के दंड की बात करते हैं, वाग दंड, धन दंड, काम दंड एंड घिक दंड। तो मनु कहते हैं कि जो दंड की मात्रा व प्रकृति है उसका निर्धारण भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। सबके लिए एक जैसे मतलब दंड का प्रावधान वो नहीं करते हैं। अपराधी के अपराध का जो अपराधी किस वर्ण व्यवस्था से बिलोंग करेगा ये भी एक बड़ा कारण होगा कि दंड की मात्रा और प्रकृति कैसे होगा। तो आप देखेंगे कि वर्ण के आधार पर व्यक्ति से यहाँ पर अपेक्षा की जाती है। तो ब्राह्मण के अगर ब्राह्मण वही अपराध करेगा तो उसके लिए कम दंड की व्यवस्था की जाएगी। शूद्र ज्यादा करेगा अगर वही अपराध करता है तो उसके लिए ज्यादा दंड दिया जाता है। तो ये सब कुछ इसकी कमजोरियां हैं। तो मनु का जो न्याय व्यवस्था सबसे कमजोर पक्ष यही है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपराध की गंभीरता का निर्धारण किया जाता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर आप अपराध की गंभीरता का निर्धारण करते हैं, और दंड की मात्रा और प्रकृति क्या होगी इसका निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाता है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जिसमें समान अपराध के लिए सभी को समान रूप से दंड नहीं दिया जाता। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट का, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल भी रहता है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आप ये चीजें लिख सकते हैं। अब देखते हैं कर व्यवस्था। तो राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुदृढ़ता पे मतलब आप देखेंगे कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, तो मनु ने जो इसकी परिकल्पना की या इसका वाक्य व्याख्या करते हैं, तो इसीलिए कि टैक्स सिस्टम क्या है, एक निर्धारित टैक्स सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि साप्तांग थ्योरी में इन्होंने कोष को बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग माना है राज्य का। कोष होगा तभी तो राज्य की सुरक्षा हो पाएगी, लोगों के लिए लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो लागू हो पाएगी। तो टैक्सेशन सिस्टम या कर व्यवस्था है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कोष है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोष प्रजा पर, क्योंकि कोष को आप कैसे धन कैसे लाएंगे, कोष पर प्रजा पर कर लगाकर ही लाया जाएगा ना। बट कहते हैं कि राजा को स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों या मनमाने ढंग से कर का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से नियम होने चाहिए, और उन नियम के आधार पर निश्चित और स्पष्ट नियम होने चाहिए। मनु कहते हैं कि जो कर का निर्धारण है या वसूली है वो राजा की स्वेच्छाकारिता से नहीं होना चाहिए। इस संबंध में वो कहते हैं कि निश्चित और स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन करो, और जैसे कि जो हमारा ये कर का संग्रह है ये राज्य का उद्देश्य नहीं है। ये राज्य का उद्देश्य ना होकर क्या है, आपका प्रजा की रक्षा और कल्याण का एक साधन है, ना कि आप राजा का उद्देश्य है कि आप ये जो कर संग्रह है वो राज्य का हक है, वो कर रहा है। ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप प्रजा की रक्षा कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके कर व्यवस्था के बारे में। तो इसमें समझ आ गया होगा आपको कि कर व्यवस्था क्यों जरूरी था, क्योंकि कोष को मेंटेन करना है, और कोष बहुत ज्यादा अनिवार्य एक अंग है राज्य का, और
ये जो कर का निर्धारण होगा वो इस उसके लिए निश्चित और स्पष्ट नियम होने चाहिए। और ये कुछ बात भी करते हैं कि जैसे कि व्यापारियों से उनके कार्य और लाभ को देकर कर लेना चाहिए, किसानों से जो लेंगे वो भूमि की गुणवत्ता, उपजाऊपन और परिश्रम आदि पर विचार कर लिया जाए, जैसे आय का छठा भाग, आठवां भाग और बारहवां भाग, और संकट काल में राजा चौथे भाग भी वसूल सकता है, ताकि जो परिस्थितियां हैं उनसे विपरीत परिस्थितियों से निपटा जा सके। अब परराष्ट्र के संबंध में बात की जाए तो मनु ने परराष्ट्र संबंध पर विचार करते हुए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, एक मंडल सिद्धांत, एक आपका छाटगुट सिद्धांत। तो मंडल सिद्धांत पे मनु कहते हैं कि राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अपने जो परराष्ट्र मतलब दूसरे राज्यों के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, कैसे राज्य को अपना जो राज्य का विस्तार है क्षेत्र विस्तार के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने ये अपना विचार दिया है। दूसरा है जो इन्होंने छठगुण नीति दी है, मतलब वो कहते हैं कि शत्रु राजाओं से हम अलग अलग तरीके से हमें निपटना चाहिए, और ये जो ये 6 लक्षण हैं जिनका प्रयोग करके आप जिनका प्रयोग करना चाहिए जब आप दूसरे राजाओं के साथ संबंध बना रहे हैं, दूसरे राज्यों के साथ संबंध बना रहे हैं। और ये क्या है 6 गुण? राजा के द्वारा संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय, इनका उल्लेख इन्होंने किया है। तो ये हो गया इनका परराष्ट्र संबंधित सिद्धांत। मनु का महत्व और योगदान, अब हम लास्ट में अपने जो टॉपिक है उसको कंक्लूड करेंगे मनु के महत्व और योगदान को लेकर। तो मनु पहले विचारक थे जिन्होंने अराजकता के का अंत करके एक सुव्यवस्थित शासन को स्थापना पर बल देते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत पहला कॉन्ट्रीब्यूशन का पहला योगदान है। और दैवी सिद्धांत कैसे है ये हमने राज्य की उत्पत्ति में से समझ लिया है, तो मैं यहाँ डिटेल नहीं समझाऊंगी। अब विधि, दंड और न्याय व्यवस्था के जनक, तो विधि और दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के बारे में मनु इस कृति में क्या 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 व्याख्यान मिलता है ये भी हमने डिटेल में समझ लिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार तो हमने परराष्ट्र वाली स्लाइड में से देख लिया। यथार्थवादिता, व्यवहारिकता और नैतिकता से युक्त विचारधारा, मनु ने मनुष्यों के कर्तव्य एवं स्वधर्म पालन के उद्देश्य पर जो बात करी है, संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता पर इन्होंने प्रथम बार बात किया था, राजकोष एवं अर्थव्यवस्था संबंधित विचार दिए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो मनु के जो विचार है उन्हें इस इन्हें भारतीय शासन व्यवस्था का जनक बनाते हैं। तो हमने मनु में बहुत सारी चीज़ें देखी, और हर टॉपिक के नीचे, हर जो सब टॉपिक था उसके नीचे हमने उसका क्रिटिसिज्म भी देखा। तो मैंने एक जगह क्रिटिसिज्म नहीं प्रोवाइड किया, हर जो टॉपिक सब टॉपिक था, जो उनके सामाजिक विचार थे, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो आश्रम व्यवस्था हो, चाहे वो स्त्रियों पर उन्होंने जो उनके विचार हो, और चाहे वो राजनीतिक विचार में, चाहे न्याय से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, या तो फिर राजा और राज्य से संबंधित हो, इनका क्रिटिसिज्म भी हमने उसी वहीं समझ लिया। तो आप अगर योगदान लिख रहे हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिख रहे हैं, तो वहां से उसके क्रिटिसिज्म आप निकाल सकते हैं। तो होप सो कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर इन केस फिर भी अब अगर आपको डाउट है, सो यू कैन रीच मी विद द हेल्प ऑफ माई ईमेल और इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हो, ताकि आपके डाउट को दूर किया जा सके। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थफुल लगता है और आपको हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम्स में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, वो बहुत ज़रूरी होता है फीडबैक के रूप में। सो आपका जो ये सपोर्ट है दैट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट सच काइंड ऑफ कंटेंट। सो वन रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और यस, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।